न्यूज नाटी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ रश्मि पांडे। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है और गरीब तबके के लोग जो कि मजदूरी आदि करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, उनके घरों में खाने पीने के लिए भी लाले पड़ गए हैं। वहीं समाज सेवी लोग भी पीछे नहीं हट रहे और जगह जगह समाज सेवियों द्वारा लोगों को कहीं खाना तो कहीं खाद्य सामग्री वितरण करने का कार्य जारी है। वहीं आज झांसी के कस्बा मोड में अटेवा पुरानी पेंशन बचाओ मंच के जिला संयोजक गोपाल सिंह यादव और उनकी अन्य टीम द्वारा नगर के आदिवासी मोहल्ले में खाद्य सामग्री गरीबों के घर घर जाकर वितरित की गई, जिसमें उनके साथ उनकी टीम भी मौजूद रही और लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अटेवा पेंशन बचाओ मंच के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के आह्वान पर प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला संयोजक ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 अप्रैल को काले दिवस के रूप में मानते थे, लेकिन इस महामारी के चलते पूरे भारत में शिक्षण संस्थान से लेकर अन्य सभी कुछ बंद है, जिसमें उन्होंने यह काले दिवस की जगह मदद दिवस के रूप में मनाया और घर घर जाकर खाद्य सामग्री वितरित की।